विजुअलाइज करो जो मैं आपको बोल रहा हूं। ये है होल्डिंग कंपनी, ये है होल्डिंग कंपनी, मजबूत दिख रहा है आपको, इसके कंपैरिजन में मजबूत दिख रहा है। और ये छोटा सा बच्चा है, एकदम दिख रहा है इधर उधर से हर जगह से, मतलब अभी तक ये सेटल्ड नहीं है कंपनी। इधर ये है होल्डिंग, ए भाई ये कौन है? होल्डिंग। और ये कौन है? सब्सिडरी। सब्सिडरी का नाम है, लेट्स अज्यूम सो इट इज एक्स वाई जेड कंपनी या आप पांडू लिमिटेड। हाँ, सो ये पांडू लिमिटेड और तू ले और कर, तेरे ही दोस्त है, तेरे ही दोस्त है, मैंने कुछ नहीं बोला, और कर बैठ के उधर से उंगली, बहुत मजा आती है ना तेरे को, अब देख होपलेस। इस कंपनी का नाम रखते हैं झंडूबाम लिमिटेड, और ये कंपनी है पांडू लिमिटेड। पांडू लिमिटेड को पांडू लिमिटेड को एक्वायर किया किसने? झंडूबाम लिमिटेड नहीं तुम। सो पांडू को एक्वायर किया झंडूबाम लिमिटेड ने, और सुन तो लो, ये एक्वायर किया था इन द ईयर 2014, 2014 इट वॉज एक्वायर्ड। और एक्वायर करने के बाद आपको कैलकुलेट करनी थी गुडविल एज पर AS 14। आपको इस कंपनी में बहुत वैल्यू लगी, बहुत पोटेंशियल लगा, ये कंपनी आगे जाने वाली है, तो आपने इसकी कई सारी असेट्स को क्या किया? रिवैल्यू। जैसे आपको मैं छोटे मोटे एग्जाम्पल बताता हूं, AS 10 अकाउंटिंग फॉर फिक्स्ड एसेट, इसकी फिक्स्ड एसेट बताता हूं। इनके पास एक सॉफ्टवेयर है, लेट्स अज्यूम दैट दिस इज अ कंपनी विच इज कैन वी से फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट को एक्वायर किसने किया? वॉलमार्ट ने। ये फ्लिपकार्ट जो कंपनी, इनकी इस कंपनी का एक सॉफ्टवेयर है, इनकी खुद की बुक्स में AS 26 इनको अपने सॉफ्टवेयर को रिवैल्यू करना अलाउड नहीं करता। चलो ये नहीं समझ में आ रहा, नेक्स्ट। इनके बुक्स में एक जमीन है, लैंड है, उस लैंड को रिवैल्यू करना है तो AS 10 अलाउ जरूर करता है, बट वो बोलता है कि आपको सारी एसेट रिवैल्यू करनी पड़ेगी। और मेरे ध्यान में अभी तक मैंने ऐसी कंपनी नहीं देखी जो अपनी फिक्स्ड एसेट को रिवैल्यू करती है, क्योंकि उसके लिए वैल्यूअर लगता है। हम हमारी कॉस्ट क्यों बढ़ाए? अगर इस कंपनी का मुझे वैल्यूएशन चाहिए तो जिस समय चाहिए होगा तब वैल्यूअर लगाऊंगा, वैल्यूएशन निकाल लूंगा। हर साल क्यों वैल्यूएशन करो? उसमें हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने में देरी होगी और बाकी के भी प्रॉब्लम। तो रियल लाइफ में इनकी वैल्यू जो है वो AS 10, AS 2 ये गवर्न करते हैं, ये अपनी वैल्यूज को चेंज नहीं करता। बट जब ये कंसोलिडेट होकर मेरे पास आते हैं तो इसकी तो कॉस्ट आएगी, क्योंकि इसकी कॉस्ट में कोई चेंज नहीं है, बट आप इसको एक्वायर कर रहे हो, मैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हूं, ये भाई साहब की मैं क्या लूंगा? आवाज नहीं, ये भाई साहब की मैं क्या लूंगा? नॉट कॉस्ट, आई विल टेक फेयर वैल्यू। याद आ रहा है, ट्रांसफरी के बुक्स में आप एंट्री करते थे बिजनेस परचेज टू लिक्विडेटर, इंडिविजुअल असेट टू इंडिविजुअल लाइबिलिटीज, विच वैल्यूज यू यूज्ड टू टेक? फेयर वैल्यू। तो मैं वापस बता रहा हूं, ये भाई साहब की आएगी कॉस्ट, ये भाई साहब की क्या आएगी? फेयर वैल्यू। एग्रीड, फेयर वैल्यू आएगी। इधर आने के वक्त आपको ध्यान में रखना है, इसके यहां पर बिल्डिंग थी, इसके बुक्स में बिल्डिंग है 1000, मेरे पास वो बिल्डिंग हो सकती है एट 1800। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, पहले इतनी बात को पकड़ लो। अभी जैसे हमने इस केस में लैंड थी 40, वो हमने कितने मिली? 70। लैंड 40 की थी, कितनी की थी? 30। लैंड 30 की थी, हमने कितना पकड़ा? 70। क्या ये बात सभी को क्लियर है? स्टैंड अलोन के बुक्स में जो वैल्यू है वो वैल्यू कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आती, हमारे बुक्स में वो वैल्यू आती है जो फेयर वैल्यू होती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आपको दो मिनट में समझ में आएगा। व्हाट्सएप कंपनी की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे, तो व्हाट्सएप कंपनी जब एक्वायर की गई थी तो सिर्फ 2 मंजिली इमारत थी, और वो भी घर था, उस घर से व्हाट्सएप को चलाया जाता था। फेसबुक ने व्हाट्सएप को एक्वायर किया तब उनके पास कुल मिलाकर 23 से लेकर 25 एम्प्लॉइज थे, कुछ कंप्यूटर्स, और उनके थ्रू वो मैनेज किया करते थे पूरे व्हाट्सएप को। फेसबुक ने उनको एक्वायर किया इन समवेयर 19 बिलियन। तो आपको क्या लगता है उन्होंने उस 2 मंजिले बिल्डिंग के लिए, उनके कुछ कंप्यूटर्स के लिए इतना पैसा दिया? नहीं, पैसा इसलिए दिया ताकि आपने उनके जो डेटाबेस है उसके लिए पैसा दिया। इतने सारे डेटाबेस, इतने सारे लोगों के नंबर, मतलब अगर आपको शाहरुख खान का नंबर चाहिए तो उसमें मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप के डेटाबेस में। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू? इट वॉज अ फर्स्ट रेडिकल इन्वेंशन विच हैपेंड, एंड बिकॉज ऑफ विच फेसबुक पेड नॉट ओनली फॉर द असेट विच आर एग्जिस्टिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में वो असेट नहीं दिख रही थी, बट जब इसको एक्वायर किया तब वो असेट हमारे पास आ जाएगी। यस और नो?
मतलब ध्यान से सुनना, पहला कॉन्सेप्ट जो इसकी बुक्स में एसेट नहीं है बट कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में वो एसेट आती है, आई रिपीट अगेन, इसकी बुक्स में जो एसेट नहीं है बट वो एसेट मेरे बुक्स में आती है, एक सिंपल क्लासिक एग्जाम्पल गुडविल। गुडविल इसके बुक्स में नहीं है बट मेरे बुक्स में आएगी, एग्रीड। इसके बुक्स में मान लो ऐसा कोई पेटेंट होगा जो अभी तक आया नहीं है बट मेरे बुक्स में आ सकता है क्योंकि हम उसके भी पैसे दे रहे। से यस और नो, आई थिंक आई हैव मेड दिस पॉइंट क्लियर, विच इज नॉट एग्जिस्टिंग इन इट बुक्स कैन कम डाउन टू माई बुक्स, थम्स अप। सेकेंड चीज मैं आपको बता रहा हूं, इसकी बुक्स में जो भी चल रहा है वो किस पर चलता रहेगा, एट कॉस्ट, किस पर चलता रहेगा, एट कॉस्ट, बट मेरे बुक्स में जो चलेगा वो किस पर चलेगा, एट फेयर वैल्यू, डन। सो बेटा जी इस तरीके से पांडु लिमिटेड हमारे साथ 2015 से है और 2015 से समय बीता एक साल, तुम जाओ तुमको आना है, दो साल, तीन साल, चार साल, पांच साल, ये गया और एक नई कंपनी आ गई और ये बलवान हो गई है, दिख रहा है कलर सेम ही था। उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट और इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या फर्क लग रहा है आपको, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कुछ फर्क है क्या, नहीं है? अरे भाई है या नहीं है, है। क्या फर्क है? इंप्रूव हो गए, किसके वजह से इंप्रूव हुआ, यू आर राइट, यू आर राइट। जैसे जैसे समय बीता इस कंपनी ने मोर प्रॉफिट्स कमाए, इनके एसेट चेंज हुए, लाइबिलिटीज चेंज हुई, पांच सालों में तो फर्क पड़ गया यार बहुत। बट मैं अभी आपको याद दिलाऊं, वो जो बंदा था उसके बुक्स में लैंड थी 1000 की, मेरे बुक्स में मैंने उसको ले लिया था कितने में, 1800 में। मैं वापस पूछ रहा हूं, जब कंपनी पांच साल में प्रोग्रेस करी, इसके बुक्स में वो लैंड कितने की है, सोच के बताना, गोबर मत करना, सोच के बताना, इट विल रिक्वायर थिंकिंग। इसके बुक्स में वो जमीन कितने की है, 1000 या 1800? वाओ सल्यूट 1000, क्योंकि इसके स्टैंडर्ड में आप 1000 को 1800 बना ही कैसे सकते हो, ये इंडिपेंडेंट बुक्स है, दिस इज इंडिपेंडेंट बुक्स। से यस और नो, अगर बात को पकड़ सकते हो तो पकड़ लेना, सबसे क्रिटिकल एडजस्टमेंट इस चैप्टर की, ये भाई साहब के बुक्स में, बैलेंस शीट में, बुक्स में अभी भी लैंड 1000 की है, बिल्डिंग 1000 की है, बट जिस दिन हमने एक्वायर किया था उस दिन उसकी फेयर वैल्यू थी 1800, तो इस बुक के लिए 1000, मेरे लिए 1800। जाहिर सी बात है इस बुक्स में डेप्रिसिएशन 1000 पर ही लग रही थी, मेरे बुक्स में डेप्रिसिएशन 1800 पर लगनी चाहिए। सो 800 पर जो डेप्रिसिएशन लगी नहीं है वो आपको चार्ज करनी पड़ेगी। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्रॉब्लम सिर्फ एकेडमिक्स में, रियल लाइफ में तो है नहीं, क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा कभी होता ही नहीं चार साल आगे की बैलेंस शीट दे दी, रियल लाइफ में तो एक 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 साल करके आगे जाते हैं। और आपको आपकी कॉमन सेंस की बात है, इसके बुक्स में 1000 के, मेरे बुक्स में 1800 के, इसके बुक्स में डेप्रिसिएशन 1000 की जाएगी, मेरे बुक्स में डेप्रिसिएशन 1800 की जानी चाहिए, तो डेप्रिसिएशन कितनी जाएगी, 800 पर एक्स्ट्रा जानी चाहिए, यस और नो भाई, हाँ या ना, आर यू श्योर दैट यू हैव अंडरस्टूड, पक्का? तो अब क्या हुआ, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम क्या हुआ, आपको बैलेंस शीट दी जाएगी एक तो पुरानी, और एक बैलेंस शीट दी जाएगी बिल्कुल नई। एक बैलेंस शीट कैसे दी जाएगी, बिल्कुल नई, कितने साल बाद, पांच साल बाद। तो इस भाई ने डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज किया होगा अभी तक, 1000, बट मेरे बुक्स में ये वैल्यू किस पर आ रही है, 1000 या 1800। तो मुझे बताओ, मुझे 800 पर डेप्रिसिएशन एक्स्ट्रा चार्ज करनी पड़ेगी कि नहीं, बट कितने साल की चार्ज करनी पड़ेगी, एक साल, या अगर हम पांच साल आगे आ गए तो पांच साल के। पहला कॉन्सेप्ट बच्चा ये नहीं समझ पाता, व्हाई एम आई चार्जिंग फॉर 5 bloody damn years, बिकॉज द फर्स्ट लॉजिक इटसेल्फ ही हैज नॉट अंडरस्टूड दैट इन द स्टैंड अलोन द असेट इज एट कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट जो चल रही वो, ये स्टैंड अलोन है, बट इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट विल बी टेकन एट फेयर वैल्यू, जाहिर सी बात है। तो ये अभी तक डेप्रिसिएशन जो चार्ज करते आ रहे हैं वो 1000 पर ही आ रहा है, बट मुझे डेप्रिसिएशन किस पर चार्ज करनी पड़ेगी, 1800। तो 1800 मतलब 800 पर एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी, 1000 पर तो आ ही रही है। से यस और नो, आई होप पीपल हैव अंडरस्टूड, जिन्होंने भी नहीं समझा जिसको भी बिंदास होकर हाथ ऊपर कर दो, मैं समझाने के लिए तैयार हूं। दैट्स इट, वन क्लियर है, ओके, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन, ध्यान से देखो। होता क्या है कि जब हम किसी कंपनी को एक्वायर करते हैं तो वो कंपनी अपने इंडिविजुअल एसेट बनाती रहती है। जैसे अब विजुअलाइज कर JLR, JLR अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपने हिसाब से बना रही है, वो अपनी वैल्यूएशन चेंज नहीं करता अगर उनको किसी ने खरीद लिया। मान लो आज अजीम प्रेमजी की कंपनी जो है, अजीम प्रेमजी से बिल गेट्स ने खरीद ली,
तो विप्रो थोड़ी ना अपने फाइनेंशियल्स को चेंज करेंगे, साला ओनर ही तो चेंज हो रहा है। इसका पहले ओनर था PQRS, राइट, अभी उसका ओनर कौन बन गया है? ये झंडूबाम। पांडू का पहले ओनर था PQRS, अब उसका ओनर कौन बन गया? झंडूबाम। ओनर तो चेंज हुआ है ना, ये अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करेगा, ये अकाउंटिंग पॉलिसी तो एज इट इज रखेगा। अब इसके बुक्स में अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट पर हम असेट रखते हैं, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट पर ही रखेगा। बट जब कभी भी कंसोलिडेट करना होता है, इट इज नॉट टेकन एट कॉस्ट, इट इज टेकन एट फेयर वैल्यू, बिकॉज आई सेड यू इट इज डन एज पर AS 14। सो आई हैव टेकन इट एट फेयर वैल्यू। नाउ व्हेन आई हैव टेकन इट एट फेयर वैल्यू, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन हिज वैल्यू एंड माय वैल्यू। हिज वैल्यू इज 1000, माय वैल्यू इज 1800। सो आई हैव टेकन इट एट 800 मोर, सो दैट मीन्स आई एम यूजिंग माई बिल्डिंग फॉर 800 मोर का वैल्यू इन माई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो आई हैव टू प्रोवाइड एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑन हाउ मच? 800, क्योंकि 1000 का तो ये प्रोवाइड कर रहा है बट 800 का बाकी है। अब ये अगले साल किस पर करेगा? 1000 पर ही करेगा। मुझे किस पर करना चाहिए? 1800 पर करना चाहिए। तो कितने का इसने चार्ज कर दे दिया? 1000 पर कर दे दिया। मुझे कितने का करना पड़ेगा? 800। तो जो कोई भी आपका रिवैल्यूएशन सरप्लस या रिवैल्यूएशन डेफिसिट रहेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड सो फार। से यस और नो? एग्रीड? थैंक यू सो मच गाइस।